हम पोर्टुगीज गुलामी में थे। गोवा दमन और दीव पर पोर्टुगीज ने अपना जुल्मी अमल बिछाया था। गोवा को मुक्ति दिलाने के लिए गोवा में कुछ रिवॉल्ट्स भी हुए थे, जैसे होलिंग रिवॉल्ट्स, पिंटो रिवॉल्ट्स, राणे रिवॉल्ट्स हुए थे, पर यह सब कामयाब नहीं हुए। इसी बीच लोगों को बहुत से जुल्म सहने पड़े। बहुत सारे लोगों पर धर्म बदलने की आफत भी लाई गई। धर्म न बदलने पर लोगों के हाथ पांव काट दिए गए। न जाने कितनी गर्दनें कटी गई। इतिहास गवाह है, वो खंबा जो ओल्ड गोवा में स्थित है वह गवाह है। इतना ही नहीं, यहाँ के मंदिर भी तहस नहस कर डाले और उसकी जगह पर चर्चिस बनवाए। लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ के स्वतंत्र सेनानी जैसे डॉक्टर पुनिया, पीपी शिरोडकर, टीवी जैसे लोगों ने गोवा मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। तभी गोवा के कोने कोने में से स्वतंत्र सेनानी जाग उठे और आजादी के लिए इन दरिंदों के खिलाफ भरसक प्रयत्न किया गया। इसी बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा में आए। उन्होंने गोवा के लोगों में गुलामी के विरुद्ध क्रांति की जोत सुलगाई। भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली, लेकिन भारत का एक भाग गोवा जो 450 वर्षों की गुलामी सहता रहा। आखिरकार केंद्र सरकार ने बहुत सी फौज भेजकर ऑपरेशन विजय इस मिशन को नाम रखकर गोवा को आजादी दिलाई और हमें भारत से जोड़ दिया गया। धन्यवाद।